हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जगदीप सिंह। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी 7.5 एकड़ की टाउनशिप, जिसके अंदर 217 गज के अंदर फ्लैट आ रहे हैं, जो कि रेडी टू मूव हैं। 217 गज वाले S+4 विद लिफ्ट के साथ हैं, स्मार्ट होम्स। अगर प्रोजेक्ट की इंटरनल एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 3 टीयर सिक्योरिटी रहती है, क्लब हाउस रहता है, आपको क्लब हाउस के अंदर आपको इंडोर गेम्स रहती हैं, पार्टी हॉल रहता है, जिम रहती है और पूल रहता है। डेडिकेटली 4 पार्क दिए गए हैं इसके अंदर। आपको जो इंटरनल रोड्स रहती हैं वो 40 फीट रहती हैं, और जो मेरे फ्लैट्स हैं सारे के सारे बोथ साइड ओपन आपको मिलते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, हमारा प्रोजेक्ट ईस्ट VIP रोड जरकपुर में आता है। इसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से रहेगी। तो आइए आपको अपना सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, जो कि 217 गज के अंदर हमने रेडी किया है। स्क्वेयर फीट की बात करें तो 1950 स्क्वेयर फीट का फ्लैट आता है। एंट्रेंस पे हमें 8.25 फीट का डोर मिलता है। डिस्प्ले हम डिजिटल लॉक आपको देते हैं, जिसमें कार्ड स्कैन, फिंगरप्रिंट एंड आपको की ऑप्शन मिलती है। एंट्रेंस के ऊपर अगर हम एंटर करते हैं, यहाँ पे ही हमारे पास हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग एरिया के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसके अंदर आपको AC की प्रोविजन हम आपको देते हैं जी। फॉल सीलिंग विद LED कंसील लाइट आपको पूरे फ्लैट के अंदर मिलती है। ड्राइंग एरिया से आपको फ्रंट बालकनी का एक्सेस भी रहता है विद UPVC डोर। ये हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग कम डाइनिंग नहीं है, दोनों सेपरेट स्पेस है, बिल्कुल अलग अलग साइज आ जाते हैं। ये हमारी पूजा स्पेस आ जाती है, जो कि बिल्कुल सेपरेट स्पेस आ जाती है। इसको चाहे डोर लगा के आप स्टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहता है, जिसे हम गेस्ट बेडरूम भी कह देते हैं। इसके अंदर आपको वार्डरोब्स रेडी मिलेंगे, इसके साथ ही फ्रंट बालकनी का एक्सेस आपको यहाँ से मिलता है। फर्स्ट बेडरूम के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर आपको वॉल टाइल्स जो रहेंगी एज इट इज़ रहेंगी टिल रूफ। नीचे आपको जो एंटीस्किड टाइल्स मिलती हैं वो भी एज इट इज़ रहेंगी। इसके अंदर जो सैनिटरी फिटिंग हम सारी की सारी दे रहे हैं, ये सारी कूलर की फिटिंग्स दे रहे हैं इसके अंदर। सेल्फी टच मिरर आपको तीनों वॉशरूम के अंदर रहेगा, 3 गीजर आपको तीनों वॉशरूम के अंदर रहेंगे। ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। इसमें भी आपको वार्डरोब्स एज इट इज़ मिलती हैं, इसके साथ भी आपको अटैच बालकनी मिलती है। सेकेंड बेडरूम के साथ ही मेरा अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ही मिलनी हैं, टिल रूफ वॉल जो रहेंगी टाइल्स रहेंगी, नीचे एंटीस्किड टाइल्स रहेंगी। इसके अंदर आपको टाइल कलर आपको तीनों वॉशरूम के अंदर अलग अलग ही मिलेगा। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, जिसे हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। इसके अंदर भी आपको वार्डरोब्स एज इट इज़ मिलेंगी, इसके साथ भी आपको अटैच बालकनी मिलती है। मास्टर बेडरूम के साथ भी हमारा अटैच वॉशरूम रहता है। ये हमारी मॉड्यूलर किचन आ जाती है। इसके अंदर आपको सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर सारे के सारे जो रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। कैबिनेट्स जो आप देख रहे हो सारी आपको एज इट इज़ मिलती हैं। इसके अंदर हम आपको होब लगा के दे रहे हैं। गैस पाइपलाइन का कनेक्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। चिमनी आपको यहाँ पे हम लगा के दे रहे हैं। RO भी हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। इसी के साथ आपको सिंक रहती है, जो हमारी नॉइस फ्री रहती है, डबल सिंक रहेगी यहाँ पे, कूलर कितनी अटैच रहेगी। ये था हमारा 217 गज के अंदर फ्लैट, जो कि 1950 स्क्वेयर फीट के अंदर था। इस फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।